जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो है भारत के प्रमुख तटों के नाम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे दोस्तों सबको पता होगा कि भारत के लगभग 8 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है उन्हीं को हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। तो 8 राज्य हैं और 7 नाम हैं उनके, तो उनको हम लोग बारी बारी देखेंगे तथा मैप में भी देखेंगे कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट है। तो सबसे पहला है दोस्तों वो है काठियावाड़, दूसरा है कोंकण, तीसरा है कनारा, चौथा है मालाबार और पांचवा है कोरोमंडल और छठा है उत्तरी तट, सातवा है उत्कल तट। तो अब इनको हम मैप में देखेंगे दोस्तों कि ये जो हैं 7, इनको कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन से राज्य के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये दोस्तों मैप है तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो था वो था काठियावाड़ तट। ये देखिए दोस्तों मैप में दिख रहा होगा, ये है कच्छ से दमन तक, यानी ये गुजरात में है और गुजरात का जो तट है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, काठियावाड़। उसके बाद दूसरा है दोस्तों ये है कोंकण तट, ये देखिए कहाँ से है, ये दमन से गोवा तक, यानी कच्छ से दमन तक का जो है वो काठियावाड़ तट उसको पुकारा जाता है, वो गुजरात में है। उसके बाद महाराष्ट्र का तट जो है, जो महाराष्ट्र यानी वो गुजरात से लेके गोवा तक है, उसको कहा जाता है कोंकण तट। फिर गोवा से मंगलौर तक है, यानी मंगलौर कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में, तो उसको कहा जाता है कनारा तट। उसके बाद मंगलौर से है जो कन्याकुमारी तक, उसको कहा जाता है मालाबार तट। कन्याकुमारी दोस्तों सबको पता होगा कि कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य जो है वहीं पे स्थित है, सबसे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है जो दोस्तों। उसके बाद में है फिर अगला देखा जाए जो है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, ये कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक है। पुलिकट झील दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ तक का जो तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद यहाँ पुलिकट झील जो है इससे महानदी का जो महानदी जहाँ से प्रवाहित होती है, जहाँ पर उसका डेल्टा का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, यानी ये तट जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य का जो तट है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। और तमिलनाडु का जो है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। और इधर देखा जाए तो केरल का जो है उसको कहा जाता है मालाबार तट। उसी प्रकार ये है बंगलौर का जो है दोस्तों उसको कहा जाता है कनारा तट, और महाराष्ट्र का जो तट है उसको कहा जाता है कोंकण तट। उसके बाद एक और बचा है, इसको भी कहा जाता है, सॉरी दोस्तों इसको कोंकण नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया, इसको कहा जाता है उत्कल तट, जो महानदी डेल्टा से लेके गंगा जो प्रवाहित होती है उसका जो मैदान है वहाँ तक का तट है उसको कहा जाता है उत्कल तट। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने गलती से यहाँ पे कोंकण तट आ गया, कोंकण तट तो दोस्तों महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बस इतने 7 हैं, इनको हम लोग देख लिए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।